तो ग्रैंड विटारा अभी जो है सीएनजी पे जल्दी अपने दीपक भाई चला रहे हैं, तो थोड़ा दीपक भाई से पूछते हैं। तो ये रहा इसका V6 इंजन, जो इसमें आप ये इसका रिड्यूसर देख रहे होंगे वेंचुरी। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये है ग्रैंड विटारा, पूरी 2003 मॉडल है, इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान। और जो इंटीरियर अभी आप देख रहे हैं, इसमें सीएनजी किट लगी है। कौन सी सीएनजी किट लगी है ये आपको पूरा बताने वाले हैं। कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, वैसे आपने इसकी वीडियो और चैनल पर देखी होंगी। तो मैंने एक अपने जो व्यूअर्स थे उनको भी दिखाना चाहता था कि ग्रैंड विटारा में जो सीएनजी किट लगी है ऑलमोस्ट कैसी कैसी इसका ओवरव्यू है। फ्रंट में जो है इसमें सबसे स्पेशल जो चीज़ है, जो इसमें इंजन है 6 सिलेंडर V6 इंजन है, जो कि आपको अभी फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। तो एक बार थोड़ा इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं, फिर फ्रंट में चलेंगे, फिर रियर में चलेंगे। ऑलमोस्ट क्या क्या इसमें, मतलब गाड़ी 2003 मॉडल है, लेकिन फीचर्स अगर मैं आपको दिखाऊं जो कि अब गाड़ियों में जो आ रहे हैं अब, वो इसमें 2003 में ही दे दिए गए थे। ये आप देख रहे हैं पावर विंडो सारी जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। डैशबोर्ड आपको पूरा लेदर वाला, सीट लेदर वाली मिलेंगी 2003 से ही। देखिए इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, कुछ ऐसी जो क्वालिटी थी इसकी। बाकी जो अभी आप एक बार गाड़ी का ओवरव्यू दिखा दूँ, 4x4 है ये V6। ये रहा कुछ XL7 करके इसकी वेजिंग है, वैसे ये V6 इंजन के संग आ रही है। बाकी ये आप देख सकते हैं गाड़ी का ओवरव्यू एक बार कुछ ऐसा रहा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से फ्रंट से दिखाना चाहूँ आपको, तो फ्रंट से कुछ ऐसा है इसका एक लुक, ये है। अब सबसे पहले इसमें आपको इंटीरियर से दिखाएंगे, फिर इसका एक्सटीरियर की ओर चलेंगे। और ये आप पीछे से देख सकते हैं इसकी कुछ, पीछे जैसे इको स्पोर्ट में आता है वैसे इसमें टायर दिया गया है। बाकी ये V6 की बैजिंग ग्रैंड विटारा, ये कुछ रहा। अब मैं इसमें अगर आपको रियर में दिखाना चाहूँ, सबसे पहले जो है सिलेंडर की ये फिटमेंट आप ये देख सकते हैं, EKC का सिलेंडर है, 12 kg का ये सिलेंडर है। तो इसकी फिटमेंट कुछ यहाँ पे ऐसी रखी गई है। बाकी 7 सीटर ये आपको गाड़ी देखने को मिल रही है। और ये आप ये देख सकते हैं काफ़ी हैवी डोर है, मतलब उस टाइम की जो क्वालिटी है वो आपको अब देखने को मिलेगी। और इसमें अगर मैं इंटीरियर से दिखाता हूँ एक बार, अब अगर एक बार V6 इंजन दिखाया जाए कि किस तरह की का इंजन है इसमें और कौन सी किट लगी है, वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से कुछ खुलेगा, गाड़ी अभी चल के आई है, काफ़ी गर्म है। और ये बोनट भी इसका अच्छा खासा भारी है। तो बाकी ये देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो किट है, इसमें वेंचुरी किट लगी है। और वेंचुरी किट जो है इस इंजन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। और अभी कस्टमर से भी पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ। बाकी एक बार आप एक बार ओवरव्यू इसका देख लीजिए। मैं फटाफट से इसका, ये हाइड्रोलिक इसमें नहीं दिया गया है तो सिंपली इस टाइप का है, तो ये एक बार लगा देते हैं इसमें। तो ये रहा इसका V6 इंजन, जो इसमें आप ये इसका रिड्यूसर देख रहे होंगे वेंचुरी किट का, कुछ यहाँ पे रहा। बाकी ये इसका गेज हो गया, प्रेशर गेज जो कि अंदर स्विच डैशबोर्ड में कनेक्ट होता है। बाकी ये एमुलेटर हो गया, बाकी ये सब चीज़ें हैं। फिलिंग वॉल आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। और जो V6 इंजन है, V6 3 सिलेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और 3 सिलेंडर यहाँ पे। ये रहा कुछ ओवरव्यू, जो गाड़ी है काफ़ी बढ़िया चल रही है, अभी इसे चला के भी देखेंगे हम। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इंटीरियर से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। इंजन सेक्शन आपने देख लिया, अब चले एक बार इंटीरियर सेक्शन की ओर। तो अभी आपको इसकी साउंड भी सुनाते हैं। तो दोस्तों अब इसके इंटीरियर सेक्शन में आपको एक बार इसकी साउंड सुनाते हैं। अब बाकी चाबी आप देख सकते हैं जैसे अब आ रही है, कुछ वैसी ही इसकी जो है की आपको देखने को मिलती है। अब कितनी चल चुकी है गाड़ी ये आपको दिखाते हैं। और ये अपने काका भाई हैं, आ जाओ अंदर आ जाओ, शर्माओ मत। ओके, इसमें देखो अभी तो ये न्यूट्रल पे है, इसमें स्टार्ट करके एक बार आपको साउंड दिखा देते हैं कैसी, मतलब साउंड सुना देते हैं कैसी साउंड आ रही है इसमें। ₹1,63,417 चल चुकी है। एक बार जूम इन करके दिखाता हूँ, ये आप देख रहे होंगे। और बाकी अब इसे स्टार्ट करते हैं कैसी आवाज़ आती है। आप साउंड एक बार चेक करना,
अपने काका भाई से कहते हैं थोड़ा एक्सीलेटर देना इसमें यहाँ आके, बाकी आपको साउंड सुनाते हैं इसमें कैसी साउंड है V6 इंजन की। तो ये सुन सकते हैं आप आवाज़ ऐसी होती है V6 इंजन की। अभी CNG पर है आवाज़ काफ़ी, मतलब उस टाइम का इंजन है और रिफाइनमेंट अब भी काफ़ी अच्छी है और साउंड अपनी जो है काफ़ी अच्छी खतरनाक। बस ये देख सकते हैं और हीट भी काफ़ी कर रहा है क्योंकि 6 पिस्टन चल रहे हैं, सिलेंडर जो 6 हैं तो हीट तो करेगा ही। ये कुछ थी इसकी साउंड, बाकी आपने देख लिया। थोड़ा इंटीरियर सेक्शन की ओर और चल लेते हैं इंटीरियर, क्योंकि दिखाने लायक इंटीरियर है। तो ये आप और ये जो देख रहे होंगे बेसिकली आपने जो अंदर जाने का जो पोर्शन होता है, मतलब जो यहाँ से जो रियर सीट में जाते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों में आपने देखा ही होगा कि लेफ़्ट साइड से आते हैं, लेकिन ये क्या बनी हुई है फॉरेन कंट्रियों की तरह, मतलब जैपनीज, मतलब वहाँ जो क्या है लेफ़्ट हैंड में क्या है जो स्टेयरिंग होता है, तो यहाँ इन्हें राइट साइड में दे रखा है। तो यहाँ से जो पीछे जाने का पड़ता है, यहाँ से पीछे जाएंगे तो पीछे साइड से कुछ ऐसा रहा, यहाँ से क्या है रियर सेक्शन की ओर जाना पड़ता है। तो ये रहा कुछ इंटीरियर से जो कि आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये रहा, यहाँ से कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे हो जाता है और यहाँ से देख सकते हैं आप कुछ ऐसा रहा। बाकी आर्म रेस्ट आपको यहाँ ये बीच में भी दे रखा है जो कि ऐसा रहा आर्म रेस्ट। ये रहा कुछ आर्म रेस्ट। तो दोस्तों आप चलते हैं फटाफट से ग्रैंड विटारा की टेस्ट राइड पे, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। अपने दीपक भाई चला रहे हैं जो मेन यहाँ के फिटर हैं, क्योंकि इनसे ही पता करते हैं सबसे पहले कि कैसी चलती है। ये रहे अपने दीपक भाई, बताएंगे अभी कैसी चल रही है V6 इंजन है। V6 तो बहुत ही पावरफुल इंजन है इसका, बाकी 4x4 है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4x4 का लीवर अलग है, गियर का लीवर अलग है। अभी CNG पे है क्यों? अब CNG पे तो एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं CNG पे है कि नहीं है। ये आप देख सकते हैं CNG का स्विच है, नॉर्मल CNG का स्विच है ये, तो यहाँ पर CNG पे है। तो ग्रैंड विटारा अभी जो है CNG पे चल रही है, अपने दीपक भाई चला रहे हैं। तो थोड़ा दीपक भाई से पूछते हैं क्योंकि मेन CNG किट जो है दीपक भाई ने लगाई है, क्यों इसमें वेंचुरी किट लगी है, तो थोड़ा बताओ अपने वेंचुरी किट क्यों लगाई इसमें? वेंचुरी इसने लगाई है क्योंकि देखो नो डाउट इसमें जो कस्टमर ने बताया चल तो एकदम मक्खन रही है, जो अपनी चला भी रहे हैं अभी। नॉर्मल वेंचुरी इसलिए लगाई क्योंकि इसमें वेंचुरी ही कामयाब है। अच्छा, लगने में सिक्वेंसर भी लग जाती है, जब सस्ते में काम हो रहा है। और जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो भी अभी आप देख सकते हैं, कितनी प्यार से, मतलब 4x4 है, अच्छी खासी हैवी गाड़ी है, तो इजीली जो है पिकअप भी इसमें अच्छा खासा आ जा रहा है। क्यों पिकअप में तो कोई फर्क नहीं है? पिकअप में कोई फर्क नहीं है, मतलब रोडों पे जब चलती है तो एक अलग सा मतलब रहता है कि गाड़ी निकली हुई है रोड पे। बाकी डैशबोर्ड आप देख सकते हैं पूरा लेदर फिनिश के संग है, 2003 का मॉडल, लेकिन अब भी कुछ भी कोई फर्क नहीं आया, ना कोई डैमेज है इसमें। इंटीरियर बहुत अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। आप देखिए इतनी बड़ी गाड़ी है, तब थोड़ा दिक्कतें तो आ ही जाती हैं जब रोड पर निकलती है गाड़ी। ये देख रहे हैं कि ग्रैंड विटारा है तो ग्रैंड है ही है, तो ग्रैंड जो ग्रैंड गाड़ी है ये ग्रैंड विटारा, थोड़ा ग्रैंड तो है ही। अब ये आप देख सकते हैं, अब गलियों में जब ले जाते हैं ना इसे तो कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी पीछे से आपने देखा था जो पिकअप वाला है हटने को तैयार नहीं था, अब यहाँ हमने लगा लेके आए हैं तो यहाँ जो है कुछ ज़्यादा ही फीओ खड़ी है सामने। हाँ दीपक भाई स्टेयरिंग काट काट के परेशान हो गए, दीपक भाई के बाद i10 है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो ग्रैंड विटारा के ऊपर जो कि CNG लगी हुई। आवाज़ सुन सकते हैं अब भी आप कितनी दूर से आ रही है इसकी आवाज़, कितनी ख़तरनाक। तो मिलते हैं एक और नहीं फिर से एक और ऐसी वीडियो के साथ में।